देखो अभी क्या चिपक गई। बहुत तगड़ी बारिश हो रही कसम से। मैं आप लोग को बैक कैम करके दिखाता हूँ। उससे पहले जो तो इधर आप लोग देख सकते हैं बारिश खूब झमाझम हो रही है। तो गाइस जैसे कि मौसम मस्त है वैसे इनके पापा भी मस्त हैं। मस्त हो गए हैं बाबू की गाड़ी से घुमा रहे हैं। हां गाड़ी से खिला रहे हैं बाबू हमारी गाड़ी चला। तो गाइस यहां पे मम्मा और बेटा नहा के आ गए हैं और देखिए बाबू को भी अपने लिए बंद कर दो कॉपीराइट आएगा। नहीं है गबलू है बगिया गरी या देखे कैसे हालत में उनको तो आ जाना चाहिए। तबीयत खराब है ऐसा परिवार होने से क्या फायदा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है विनय कुमार ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे सुबह सुबह खूब झमाझम बारिश हो रही है। आप लोग को लग रहा है कि बिल्कुल शाम हो गया होगा क्योंकि मौसम काफी ज्यादा बादल घने हैं और बारिश भी तगड़ी हो रही है। बाबू सबको हाय कर दो, 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 हाय हाय आ जाओ आ जाओ। तो देखो अभी क्या चिपक गई। बहुत तगड़ी बारिश हो रही कसम से। मैं आप लोग को बैक कैम करके दिखाता हूँ। उससे पहले जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी आंख पता नहीं क्या चला गया। बाबू एक बार सबको हाय कर दो ना, बारिश में चलेंगे नहाने हम लोग। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बारिश में नहला दिया था और काफ़ी इंजॉय किया था इन्होंने। बाबू अभी की मम्मा किचन में लगी हुई है, जल्दी फटाफट चाय बनाओ भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है चाय का टाइम जो होता है सुबह ही होता है। तो सुबह के चाय बनने वाले हैं। और मौसम का थोड़ा नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दिल्ली में कैसा मौसम है। कितना घने बादल, कितनी तेज वर्षा हो रही है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं बारिश खूब झमाझम हो रही है। बिल्कुल शाम का मौसम है, शाम को 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे यही हाल हो जाता है दिखने का कि ऐसा मौसम दिखने लगता है। अब मैं और मेरे बेटू इधर बारिश का हवा ले रहे हैं। बौछारें आ रही हैं, या देखो ये हार लगा रही हैं, हार लगा रही हैं। हाँ हाँ बहुत तेज बारिश हो रहा है यार। मन तो कर रहा है जाके नहा लूँ लेकिन नहीं यार, आजकल मौसम में ना तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। बाबू कैसा लग रहा है आपको बारिश, बता दो सबको कैसा लग रहा है बारिश। अच्छा लग रहा है। हाँ चलो अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। मेरे बाजू में भी पूरे बौछारे आ गए हैं। कौन सा मच्छर उड़ रहा है यार, बड़ा सा है देखो ये उड़ रहा है, ये मच्छर ही है, वहाँ बैठ गया, यहाँ उड़ रहा है। इसको पहले इसका खात्मा करते हैं भाई, नहीं इनका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं सब। तो गाइस जैसे कि मौसम मस्त है वैसे इनके पापा भी मस्त हैं। मस्त हो गए हैं बाबू की गाड़ी से घुमा रहे हैं। हाँ गाड़ी से खिला रहे हैं, बाबू हमारी गाड़ी चला रही है। बाबू मेरी गाड़ी चला रही है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब बाबू नहलाएंगे, मौसम थोड़ा ठंडा है, थोड़ा लेट से नहलाएंगे। चलो चलो थोड़ा लेट से नहलाएंगे। बैग गेयर लग गया बाबू का, बैग गेयर लग गया, बैग गेयर लग गया। बाय। अरे 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 एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बाय बाय बाय। इसको अच्छा लग रहा है, उसमें म्यूजिक था, म्यूजिक खराब हो गया। कैसे खराब हो गया, कुट्टी करेंगे। पकड़ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो दिल्ली घूमते हैं यहीं से। इसी से बाबू मेरी स्कूटी चल तो रहा है जिम। नहीं खराब हो गया, बहुत तेज बजता था वो। खराब हो गया वो, मतलब स्पीकर खराब, बैटरी लो है, खराब नहीं हुआ है। और ये वाला जो है ना गाइस, ये वाला इससे तो वो रोती, इसमें हमने सेल लगा दिए। देखो इसको रोने लगेगी, मुझे सेल खत्म है इसमें। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे मम्मा और बेटा नहा के आ गए हैं और इधर देखिए बाबू को भी मालिश करके पाउडर से कपड़े पहना रही हैं।
ओ हमारे रूम में अंधेरा लगता है क्या ना, हमें लगता है दो लाइट, एक ही लाइट है ना, वो भी एक वो सोच रहे उधर लगा दे तो एक उधर नहीं इसी साइड लगाना पड़ेगा, एक उधर एक इधर एक ही साइड लगा दे एसी के नीचे। तो आज मौसम ठंडा हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हुआ है लेकिन पता है ना बाबू, आप क्रीम से खेल रहे हो। आज अमिका को हम शैम्पू नहीं किए, बस फटाक से नहला के चले आए, आओ वैसे भी आज सैटरडे है। सैटरडे तो क्या हुआ, सैटरडे को शैम्पू नहीं करते हैं, उससे होता है नहीं किया जाता है उसका। वैसे तो बृहस्पतिवार को नहीं करते हैं, बृहस्पतिवार को कुंवारी लड़कियों को करना चाहिए, अच्छा वर मिलता है। अरे बाप रे, भैंस वर ढूंढ रही हो क्या बाबू? नहीं पता है, मम्मी में लोग हम लोग को बहुत चिल्लाती थी कि बृहस्पतिवार को बाल धो, तभी देखो तुमको इतना अच्छा पति मिला है। हम धोते ही नहीं थे। माता पी के पी आता है। गाना बंद कर दो। गाना मैंने बजाया अपने लिए, बंद कर दो, कॉपीराइट आएगा। नहीं है गबलू है बगिया गरिया, देख कपड़ा पहन लो फिर हिलाना जान। हे पट्टी हिल रहा है, पट्टी हिल रहा है बाबू का बगिया। या पहन लो तब डांस करो बेटा। बाबू हमारी इधर रेडी हो गई है और डांस भी कर रहे हैं, गाना बज रहा है। तो गाइस देखिए ये नहा धो के आ गई है, बाबू को भी रेडी कर दी है। आज क्या बना रही हो जी? आज आज हम बना रहे हैं आलू दम रोटी। हैं आलू दम रोटी, आलू दम रोटी, वाह। इसलिए मसाला जा रहा है, कुछ नहीं, प्याज वगैरह सब काट लिया है, लहसुन और यहाँ पे देखिए तेल गरम कर दिया है, आलू आलू जा रहे हैं फ्राई करने ना। आलू फ्राई करके बनता है क्या आलू दम? आलू बॉईल करके फ्राई करके, अभी तो ये बाबू के लिए रखे हैं, उसमें फ्रेंच फ्राई छानेंगे। पहले फ्रेंच फ्राई छानोगे बाबू के लिए? इधर से शूट कर लो। अरे ठीक है, किधर से भी कर ले। और बताओ कैसे हो? हम तो ठीक है, आप बताओ कैसे हो? हम भी ठीक है, आप बताओ? हम भी अच्छे हैं। हम लोग जब बात करते थे यही बोलते थे ना, और बताओ बताओ, बहुत बार बोलते। क्या क्या बताए हैं? हर बात में बोलते थे, दो मिनट नहीं बीतता था बात करते, बोलते थे और बताओ, दो मिनट में चार मिनट बोलते थे और बताओ। होता है ऐसा। तो देखिए हमारी बाबू इधर, बाबू आ जाओ, आ जाओ पापा पास, आ जाओ बेटा, लल्ला आ जाओ, आए क्या खिलाए बाबू को? ठीक है तो आ जाओ, 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 आ जाओ। चलो बाबू को कुछ खिला देते हैं पहले। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं कुछ देर बाद आया हूँ, यहाँ देखिए इनके सब्जी हो रहा है और रोटी बना लिया है दो चार, रोटी जल रही है। अरे इतने को जला नहीं कहते हैं, इतने को भुना कहते हैं आप, इतने को टेस्टी कहते हैं। देखो चाय बह गया सुबह, कोई बात नहीं, बना बना के अपना पोछ पाछ देना हो क्या। तो पता है गाइस मुझे ना टाई टूटी बहुत अच्छी लगती है, अब रोटी या पराठे होगा तो बन गया, और पंखे में रख दो जब रोटी थोड़ा सा चिमड़े टाइट रहता है ना, मुझे बहुत टेस्ट है खाने में। पसीना देख रहे हो, बारिश हुआ तब पंखे गर्म लग रही है, किचन में खाना बनाते हो गर्मी होता है लगता ही है। भाई की तबीयत खराब है मेरे। क्या हो गया भाई को, रवि को क्या हुआ है? अभी फोन आया था, मम्मी बोल रही है कि उसको बुखार हुआ है बहुत, ऐसा हालत है कि उससे पानी नहीं पिला, पिया जा रहा है। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं? बोले हैं उनका ब्लड टेस्ट करा लो, पहला हुआ है कि डेंगू होता है ना, आप पानी पियोगे तब भी उल्टी कर दोगे। हाँ तो वही हाल है, बोले हैं उनका ब्लड टेस्ट करा लो कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो, कह रही हैं आप कराएंगे। अरे इसमें लेट मत करो यार, बहुत खराब होता है ये चीज। वो भी नहीं, उनकी वाइफ भाभी भी नहीं है, तुम्हारे भाभी को तो आना चाहिए यार। वही तो हम बोले हम का इसे हालत में उनको तो आ जाना चाहिए, अब तबीयत खराब है। हद है यार, इतना किसी का पति बीमार हो बीवी ना है, ऐसा परिवार होने से क्या फायदा है। वही तो, हम लोग के भैया हस्बैंड बीमार रहेंगे, मेरा तो मायके हो चाहे कहीं वो दुनिया किसी कोने में, मन ही नहीं लगेगा। वही वो नहीं, वो मम्मी बोली है, बोली मालूम नहीं था उनको, चलो फोन करके बताए हैं, बताएंगे तब हो सकता है आए। नहीं जब इंसान सुख दुख में साथ नहीं देता तो इसे लोगों का होना चाहिए, और क्या? उनका बीमार है, मतलब तुम्हारा भाई बीमार है, तुम्हारी भाभी को आना चाहिए सब कुछ काम धाम छोड़ के, अब रक्षा बंधन से गई है मायके ना। हाँ तभी जब हम गए थे उसके एक दिन पहले कही गई है।
चलो आ जाएंगे, तो आ जाना चाहिए। आएंगे कब तक जानते हो, कब तक कोई अलग रहेगा, अब दूर रहेगा। अगर नहीं हो पाया तो बोलो, हम बोल देंगे घर से ब्लड कलेक्शन हो जाएगा। वो अभी बात किए रवि से, आवाज नहीं आ रहा था, बोला तबीयत नहीं सही है, हम बात नहीं कर पाएंगे। तो हम बोले ठीक है, मम्मी को दे दो, तो मम्मी के दिए, मम्मी बोल रही थी, हम बोलते हैं कि बोल रही थी कपड़ा जा रहे चेंज करवाने, तब बाद में बात करेंगे। चलो अच्छा ठीक है। तो गाइस चलो हम भी बात कर लेते हैं यार, तो यार अभी वीडियो भी समाप्त करते हैं, बाकी आप लोग से मिलते हैं एक अच्छे नए नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली, ऐसे प्यार बनाए रहिए।